नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, विभिन्न रेलवे जोनों में मंडल स्तर पर विभिन्न कमेटियां बनाई जाती हैं, जिसमें कि प्रबुद्ध नामित किए गए व्यक्ति और रेलवे के द्वारा सिलेक्ट की गई विभिन्न समितियों के सदस्य अपॉइंट किए जाते हैं। ये समितियां DRUCC सदस्यों के साथ में विभिन्न समय समय पर रेलवे एवं रेलवे से जुड़े हुए विभिन्न प्रस्ताव अपने अपने क्षेत्रों के बारे में प्रस्तुत करते हैं, तथा जिन पर रेलवे फिजिबिलिटी या स्टडी करने के बाद में जो प्रस्ताव रखे गए हैं उन पर अमल करता है। ऐसे ही ZRUCC यानी कि जोनल रेलवे यूजर्स काउंसिलेटिव कमेटी का काम होता है। यह जोन स्तर पर होती है, जो कि संबंधित जोन के मुख्यालय पर आयोजित की जाती है। इसमें भी विभिन्न चुने गए सदस्यगण अपने अपने प्रस्ताव रखते हैं। ऐसी ही एक बैठक 29 जुलाई यानी कि कल अजमेर में आयोजित की गई। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के ZRUCC सदस्य इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की विभिन्न रेलवे से संबंधित समस्याओं को रेलवे के अधिकारियों के समक्ष रखा, जिन पर अधिकारियों द्वारा तत्काल कुछ मुद्दों पर जवाब दिए गए और कुछ मुद्दों को होल्ड पर रखा गया, जिनके जवाब हेडक्वार्टर से निर्देशन प्राप्त होने के बाद में देने की बात कही गई। श्री जयेश जी चंपावत, जो कि ZRUCC सदस्य हैं, उनके द्वारा दिए गए जो एजेंडा है वो सामने आए हैं। उसमें रेलवे ने कुछ मुद्दों पर रिमार्क लगाकर वापसी दिया है और कुछ मुद्दों पर अनसुलझे जवाब फिलहाल में प्राप्त हुए हैं, जिन पर भविष्य में जवाब दिए जा सकते। तो जो मुद्दे रखे गए हैं उनमें हम बात करते हैं। उदयपुर अहमदाबाद आवान परिवर्तन की अंतिम तारीख के बारे में उन्होंने जानना चाहा है, साथ ही जो तकनीकी खामी पाई गई है वह कब तक पूर्ण होगी इसके बारे में जानना चाहा है। तो बताया गया है, रेलवे के द्वारा मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया है तथा उनके दिए गए निर्देशानुसार कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। तथा दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया वह है उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन के बाद उदयपुर सिटी स्टेशन तक पैसेंजर ट्रेन का आवागमन बढ़ाया जाए, जिसमें से कुछ ट्रेनों के सुझाव निम्न हैं। तो उन्होंने कुछ ट्रेनों को सुझाव दिए हैं जो विस्तार करके उदयपुर तक बढ़ाई जाना चाहिए, जिनमें कि सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 19 जो अहमदाबाद सोमनाथ है, इसे उदयपुर से सोमनाथ किया जाए। वहीं पश्चिम एवं दक्षिण भारत की गाड़ियां जो चित्तौड़गढ़ रतलाम होकर जाती है, उसे हिम्मतनगर अहमदाबाद के रूट से चलाया जाए, ऐसी उन्होंने मांग की है। उदयपुर बांद्रा ट्रेन चलती है, उसे नियमित प्रतिदिन चलाया जाए। ट्रेन 18 वंदे भारत उदयपुर मुंबई वाया अहमदाबाद चलाई जाए। अहमदाबाद उदयपुर सामान्य सवारी गाड़ी 2 आना और 2 जाना चलाई जाए। उदयपुर से पारसनाथ स्टेशन को जोड़ा जाए, जो ट्रेन अजमेर से चल रही है उसे उदयपुर से किया जाए, ट्रेन नंबर है 12968। रेलवे के द्वारा जवाब दिया गया है इस मुद्दे पर कि उदयपुर अहमदाबाद सेक्शन का आमान परिवर्तन हाल ही में पूरा हुआ है, फिलहाल इस सेक्शन में गाड़ियों का संचालन शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ असारवा से डूंगरपुर के मध्य एक जोड़ी गाड़ी का संचालन किया जा रहा है। सेक्शन में गाड़ियों का संचालन शुरू होने पर मांगों पर मुख्यालय एवं संबंधित रेलवे की सहमति से विभिन्न गंतव्य हेतु रेलगाड़ियां संचालित की जाएंगी। ऐसा रेलवे का उनके जो ट्रेनों को एक्सटेंड करने और नई गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव है उन पर जवाब दिया है। अजमेर पारसनाथ गाड़ी को एक्सटेंड कर उदयपुर तक बढ़ाने जाने के सवाल पर रेलवे के द्वारा कहा गया है कि अजमेर सियालदा एक्सप्रेस का फ्लाईओवर अजमेर में 11 घंटे ही है, इसे उदयपुर तक बढ़ाया जाना फिलहाल संभव नहीं है। वहीं उदयपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस को वाया चंडीगढ़ लुधियाना अमृतसर कटरा से जोड़ा जाए, जिससे यात्री पर्यटक शिमला से कनेक्ट हो, साथ ही अमृतसर एवं वैष्णो देवी माता जी के धार्मिक स्थान से उदयपुर कनेक्ट हो सके। तथा इस पर रेलवे के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी दी गई है कि उदयपुर जम्मू तवी का प्रस्ताव IRTTC 2022 में भेजा गया, यानी कि इस गाड़ी के चलने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। उदयपुर सिटी का रीडेवलपमेंट प्लान में उदयपुर को ऐतिहासिक धरोहर का ध्यान रखते हुए कार्य करवाया जाए एवं यात्री सुविधाओं का पूर्ण ख्याल रखा जाए। तो रेलवे के द्वारा रिमार्क दिया गया है कि रीडेवलपमेंट कार्य के समय इस सुझाव का ध्यान रखते हुए कार्यवाही की जाएगी। सेकंड एंट्री पर सुविधा बढ़ाने एवं सुरक्षा विस्तार पर कहा गया रेलवे के द्वारा, उदयपुर स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार पर पेड पार्किंग हेतु कोटेशन निकाले गए, लेकिन कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में सेकेंड एंट्री पर वेटिंग रूम, UTS, PRS काउंटर, पार्किंग आदि सुविधा उपलब्ध है। उदयपुर हरिद्वार ट्रेन को नियमित किया जाए, इस सवाल पर रेलवे के द्वारा कहा गया है कि उदयपुर हरिद्वार प्रतिदिन करने हेतु उत्तर रेलवे द्वारा सहमति नहीं दी गई है, अतः संभव नहीं है। अहमदाबाद बेंगलोर ट्रेन को उदयपुर से संचालित किया जाए,
तो इस पर रेलवे का जवाब है, उदयपुर अहमदाबाद सेक्शन में गाड़ियों का संचालन शुरू होने पर सुझावों पर मुख्यालय एवं संबंधित रेलवे की सहमति से गाड़ियां संचालित की जाएंगी। वहीं नाथ द्वारा ओखा ट्रेन को वाया उदयपुर के रास्ते चलाए जाने पर कहा गया है कि यह गाड़ी पश्चिम रेलवे राजकोट मंडल की है, जिसका कि फिलहाल में संचालन नहीं हो रहा है। गाड़ी पुनः प्रारंभ होने पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। जब हम यह जानकारी का वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे, उस वक्त ही ओखा नाथ द्वारा ट्रेन है इसके संचालन के आदेश प्राप्त हो गए। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि रेलवे क्या रुख अपनाता है। अगला सवाल था, नॉर्दर्न रेलवे की एक ट्रेन है जो कि वाराणसी गांधीनगर चलाई जाती है तथा इसका मार्ग काफ़ी लंबा वाया दाहोद रतलाम संत हिरदाराम नगर कानपुर होकर है। इसको वाया कोटा चित्तौड़ उदयपुर होकर चलाया जाए तो समय की काफ़ी बचत होगी, ऐसा उन्होंने कहा गया है। तो इस संबंध में रेलवे का जवाब है कि मुख्यालय को इसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है। उनका 18वां जो सवाल था उसमें, नई ट्रेन के लिए उदयपुर अहमदाबाद इंटरसिटी अहमदाबाद जयपुर सुपरफास्ट कोटा अहमदाबाद ट्रेन को चलाना अति आवश्यक है, ऐसा कहा गया है तथा रेलवे का रिमार्क है इस पर कि इन तीनों गाड़ियों को चलाने हेतु IRTTC 2022 में रेलवे बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गई है, आशा शीघ्र ही गाड़ियाँ संचालित होगी। तो यह काफ़ी सकारात्मक बात रेलवे के द्वारा कही गई है। वहीं उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम नई रेल लाइन के बारे में सवाल पूछा है कि इस रेल लाइन का क्या हो रहा है, इस पर आधा पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जाना था लेकिन राज्य सरकार ने आज तक इस पर पूरा पैसा नहीं दिया है। यहाँ एक बात का उल्लेख करना उचित रहेगा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा और रतलाम तीनों ही क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में दर्ज हैं, जिनके लिए संविधान के तहत किसी भी तरह के विकास कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरी राशि मुहैया करवाने का प्रावधान, संविधान के ऐसे प्रावधान के तहत बड़ी राशि केंद्र सरकार द्वारा आती है। ऐसे में केंद्र सरकार को तीनों ही जिले अनुसूचित क्षेत्र में आने की स्थिति में इस रेल लाइन के लिए बजट जारी किया जाना चाहिए। इसके लिए रेलवे और राज्य सरकार को दोबारा पत्राचार किया जाना चाहिए। रेलवे सूत्रों का कहना है कि उक्त मामला रेलवे बोर्ड में लंबित चल रहा है, इसलिए वहीं से इसके आगे की प्रक्रिया होगी और कुछ ट्रेनों के जो एक्सटेंशन और विस्तार संबंधी जो प्रस्ताव थे उनके बारे में रेलवे ने अपना रुख साफ किया है कि कम फ्लाईओवर की वजह से इन ट्रेनों का विस्तार आगे किया जाना संभव नजर नहीं आ रहा है। यदि फ्लाईओवर पीरियड बढ़ाया जाएगा तो इस स्थिति में इन ट्रेनों का विस्तार किया जा सकता है। तो बात करें जो पहले जिन ट्रेनों के अपर्याप्त फ्लाईओवर की वजह से एक्सटेंशन संभव नहीं उनके बारे में, अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ के लिए यह कहा गया, अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस अहमदाबाद चेन्नई हमसफर एक्सप्रेस अहमदाबाद मुंबई गुजरात मेल सुपरफास्ट और अहमदाबाद सोमनाथ एक्सप्रेस के बारे में यह कहा गया है और इन मुद्दों पर एक्सरसाइज करके मुख्यालय जयपुर को लिखे जाने हेतु कहा गया है अजमेर मंडल के द्वारा। वहीं दो ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करके डूंगरपुर उदयपुर रूट से चलाने हेतु मांग की गई तो उस पर रेलवे ने अपने अपने रिमार्क दिए हैं। पहली ट्रेन थी ओखा नाथद्वारा वीकली एक्सप्रेस, इसके बारे में हमने आपको पूर्व में ही बता दिया है। वहीं दूसरी ट्रेन पुरी अजमेर बाई वीकली एक्सप्रेस को भी इस रूट से चलाने के बारे में कहा गया है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे की इस संबंध में मुख्यालय को लिखकर उनके साथ पत्राचार किया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण बैठक में जो प्रस्ताव मुद्दे रखे गए वह चर्चा हमने आपके सामने की है। इनमें से बहुत सारे मुद्दे आने वाले समय में स्वीकृत होने वाले हैं तथा कुछ मुद्दों पर आने वाले समय में सहमति बन सकती है। तो यह जो भी पेंडिंग इश्यू है उनके बारे में आने वाले भविष्य में क्या निर्णय लिया जाता है यह सामने आएगा। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।